ऐसे ही काशी के बाजार में सदगुरु कबीर डंडा लेकर के खड़े हो गए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हार, जो भी आएगा सामने एक ही वार में उसकी गर्दन उतार दूंगा, पर कोई हो ऐसा दिलदार जो मेरा वार झेलने के लिए तैयार। बीच चौराहे पर खड़े हैं लट्ठ हाथ में लेकर के, आज तो हम सब कह देते हैं मैं सफेद हाथ से अपने हाथ से टीका लगा लूं और साहेब बंदगी कबीर बंदी हमें कबीर बंदी कबीर का लट्ठ खाया कभी? कौन खाए किसके बाप की ताकत की कबीर का लट्ठ खा सके? जिसने खाया है लट्ठ उसका नाम इस संसार में हो गया है जी। धर्मदास जी को एक ही शब्द की मार पड़ी, नाम अमर हो गया। मैं फिर निवेदन कर दूं उस पावन धरा पर बैठा हूं जहां 42 वंश का अधिकार दिया गया है। अद्भुत बात है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर भूखे आपना वो चले हमारे साथ। कौन है ऐसा जो अपने हाथ से अपने घर को आग लगा दे? मैं तो यहाँ डंडा लेकर के तैयार खड़ा हूँ चलने के लिए, मगर कोई मेरे साथ चलना चाहता है तो शर्त एक ही है, अपने हाथ से अपने घर को आग लगा दे और मेरे साथ चल। अब बताओ कौन चलने के लिए राजी? कौन छोटा बनना चाहे, कौन शीतल बनना चाहे, कौन मीठा बनना चाहे, कौन नाना बनना चाहे? यहाँ तो जरा सी देर में अगर कोई हम जिनको गुरु मानते हैं वो गुरु महाराज भी अगर कभी क्रोध में कह दे कि क्यों रे तूने ऐसा कर दिया, तो हमारे भीतर अहंकार को चोट पहुंचती है और हम सोचते हैं कि इतने समय गुरु जी की सेवा करी, गुरु जी ने मेरे को ललकार दिया, मेरे को दुत्कार दिया, चार लोगों के बीच में मेरे को ऐसा कड़क बोल दिया, कोई लेना देना नहीं ऐसे गुरु को, हम छोड़ के चले जाते हैं। समाज में फिर गुरु का अपमान करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु से द्वेषता करते हैं। हम इतने तो हल्के, हम कहां झुकना चाहते हैं, कहां शीतल होना चाहते हैं, कहां नमना चाहते हैं? सदगुरु कबीर ने तो सीधी सी बात कह दी मेरे भाई बहन, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, और नीचा हो सो भर पिए न ऊंचो प्यासो जाए। पानी कहां टिकता है? ऊपर नहीं टिकेगा पानी, हमेशा नीचे टिकता है। तो जो झुकना जानता है, जो छोटा बनना जानता है, जो शीतल बनना जानता है, जो अपने आप को मारना जानता है, जो अपने विकारों को विचारों को दबा करके अपने इंद्रियों को अपने वशीभूत करके जो उस शीतलता में जीना चाहता है, वो उस परम रस को पा सकता है। वरना संसार में जो अकड़ रखता है वो कभी भी उसका भागीदार बन नहीं पाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर का एक ये बहुत अच्छा सिद्धांत है कि उसमें कहीं भी आपको रोका नहीं गया है कि तुम ये करो, बंधनों में बांधा नहीं गया है, इंसान को मुक्त किया गया है, हर एक फंदे फांसी से मुक्त किया गया है। पता नहीं हम क्यों क्या सोच रखते हैं सदगुरु कबीर साहब के बारे में। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू शादी मत कर, कि तू बच्चे पैदा मत कर, कि तू माँ बाप की सेवा मत कर, कि तू घर में मत रहे, कि तू ये मत कर, कि तू मकान मत बना, पैसे मत कमा, ऑफिसर मत बन, सब कर, लेकिन अपने भीतर जो आत्मा है उसके साथ समझौता मत करना, आत्म सम्मान से समझौता मत करना, अपने स्वाभिमान को कभी गिरने मत देना, अपने आप को इतना प्रेमी और इतना मजेदार और इतना आनंदमय बना लेना, इतना बड़ा बना लेना कि कोई दुखी से दुखी भी अगर तेरी छाया में चला आए तो चलता हुआ इंसान तेरे शब्दों की शीतलता पाकर के उसके भीतर के उसके सीने की जलती हुई आग ठंडी हो जाए। अपनी वाणी को इतनी मीठी बना लेना, अपने व्यक्तित्व को इतना प्यारा बना लेना इस दुनिया में कि कोई दुखी आदमी तेरी शरण में आ जाए तो तेरे नाम का, तेरे चरणों का कायल, तेरे चरणों का दास हो जाए। इतनी योग्यता अपने जीवन में हासिल कर लेना और कुछ मत कर, पैसे खूब कमा, ऑफिसर बन, डॉक्टर बन, मास्टर बन, कुछ भी बन, लेकिन इंसानियत मत खो देना। इंसानियत को अपने जीवन में जरूर रखना। आज हम ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम इंसान नहीं बन पाते। और सदगुरु कबीर का सिद्धांत इंसानियत का सिद्धांत है। वो संकल्प हो इंसान हम बने ले संकल्प हो,
विकल्प हो इंसान हम बने संकल्प हो संकल्प हो हमारा।